लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में गुटबाजी की खबरें आने लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार की बात सामने आई थी। एक तरफ खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दिए। इस दौरान कई ऐसे बयान भी आए जिनसे ये लगने लगा कि यूपी भाजपा और यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अचानक तारीफ कर दी है, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों को भी आश्चर्य हुआ है। जिस तरह से डिप्टी सीएम ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से जो तेवर डिप्टी सीएम ने अपनाए हुए थे, उनको देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को लेकर जो कहा है, उसने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि थोड़े दिन पहले वो सीएम योगी को एक आंख नहीं देख पा रहे थे। अब डिप्टी सीएम के बोल और तेवर दोनों बदल गए। बता दें कि बीते रविवार को डिप्टी सीएम केशव मिर्जापुर के मझुआ में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है और देश में योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राजनीतिक जानकारों की माने तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा की गई सीएम योगी की तारीफ के पीछे यूपी में होने वाले उपचुनाव है। जाहिर सी बात है, चुनाव के वक्त नेताएं आपसी रंजिश भूलकर एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं। आपको बता दें कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। खुद सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनावों को लेकर जिम्मेदारी संभाली। सीएम योगी धरातल पर उतरकर चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खास तौर पर दो दो विधानसभा सीट जीतने की जिम्मेदारी मिली है। सीएम योगी के जिम्मे मिल्केपुर और कटेहरी सीट आई है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे मझुआ और खुलपुर विधानसभा सीट आई है। माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव को संदेश दिया गया है। आलाकमान की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि दोनों नेताओं के बीच हो रहा विवाद अब आगे नहीं जाना चाहिए और मतभेदों को भी दूर करना चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने निर्देश दिया है कि दोनों नेताओं की आवाज एक ही पेज पर दिखाई देनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती कि दोनों नेताओं के बीच हुए विवाद का नुकसान उसे उपचुनाव में उठाना पड़े और ये पूरा मामला स्वर्ण बनाम ओबीसी बन जाए। उपचुनावों में पार्टी की रणनीति साफ है कि स्वर्ण और ओबीसी को एक करके जीत का परचम लहराया जाए। बहरहाल उपचुनाव के खातिर ही दोनों यूपी के दिग्गज नेता एक साथ एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आपसी मतभेद दोनों नेता कब तक छिपा कर रखते हैं। आपको बता दें कि यूपी के उपचुनाव की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।